Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पूरे देश की पाकिस्तान के लिए इतिहास में शायद पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा कि एक प्रधानमंत्री अपने हाथों से सफाई कर्मियों के पैर धो रहा हो। ये अपने आप में ऐतिहासिक सैकड़ों सफाई कर्मियों के लिए भी जो संदेश यहां से निकल कर आ रहा है। और अब ये इन सफाई कर्मियों को उसके बाद जो एक मौका होगा हम देख पाएंगे, प्रधानमंत्री अंग वस्त्र पहनाकर भी उनका सम्मान करेंगे। हमने देखा 5 सफाई कर्मी उनका उन्होंने पैर धोकर सम्मान किया, आभार जताया, और जिसमें 2 महिलाएं 3 पुरुष, और ये एक तरह से जो है उनका योगदान है। और ये सिर्फ कुंभ को लेकर नहीं बल्कि स्वच्छता को लेकर जिस तरह की उनका योगदान रहा है, सालों से योगदान रहा है, उसको एक तरह से नमन है। प्रधानमंत्री ने 5 सफाई कर्मियों उनके पैर धोए, पाद्य पूजन किया, और अब हम वो निश्चित तौर पर आने वाले तमाम समय में इस बात को याद रखा जाएगा कि जिनकी वजह से दरअसल में संभव हुआ ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंज कुंभ, स्वच्छ कुंभ का आयोजन संभव हुआ, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और अब एक महत्वपूर्ण क्षण और, प्रधानमंत्री उन सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके साथ साथ हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी घड़ी हमारे सामने है, एक महत्वपूर्ण पल, एक बड़ा संदेश इतिहास के पन्नों में ये अपने आप में अमर हो जाएगा कि ये वो आभार उन लोगों का सम्मान है जो अपना सर्वस्व लगाते हैं, अपना पूरा वक्त लगाते हैं ताकि एक स्वच्छ समाज हमारे उसमें एक बात अब आंकड़ों के रूप में भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने है कि कैसे स्वच्छता जो है स्वस्थ एक स्वच्छ जो समाज है वो स्वस्थ समाज की ओर भी हमें ले जाता है। ये भी आंकड़े अब हमारे सामने है जिसका उल्लेख अब बार बार किया जाता रहा है। विश्व के तमाम जो एजेंसियां उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि कैसे स्वच्छता जो एक स्वस्थ समाज की ओर ले जा सकता है, तमाम बीमारियों से रक्षा कर सकता है। और ये दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य आप देख रहे हैं, दर्शकों के एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री ने We are